स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ टीचर मिस रूबी। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 2, दैट इज एडिशन विद इन 100। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 39, दैट इज एडिशन ऑफ टेंस। अब बच्चों, हमने 10 नंबर्स को, जैसे 10 का टेबल होता है, 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 के डिफरेंस से हमने नंबर्स को ऐड करते जाना है। जैसे 40 में हमने 30 ऐड करने हैं, तो ये आपके लिए एक इजी चीज़ हो जाती है, इजी वे है एडिशन का। 40 में हमने सिंपल 30 ऐड करे, तो हम 40 से लेके 30 तक काउंटिंग तो नहीं ना कर सकते, 40 से आगे हम 30 तक काउंटिंग करें या 30 फिंगर्स काउंट करें, तो बेटर है कि हम 40 को ऊपर लिखें और 30 को उसके नीचे लिख के 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, और 4 में 3 ऐड करेंगे, 4 से आगे फिर हम 3 फिंगर्स या 3 नंबर्स ऐड कर लेंगे। मैं आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। कल हम एडिशन कर रहे थे 4 + 3, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये क्वेश्चन किया था 4 + 2, और एक ये क्वेश्चन किया था 4 से आगे हमने 2 फिंगर्स, 2 नंबर्स या 2 लाइंस लगा के हमने लिख दी थी। 4 से आगे यहाँ नीचे लिखा हुआ है 2, तो इट्स मीन्स हमने 2 लाइंस ऐड कर दी। 4 से आगे हम काउंटिंग करेंगे 5, 6, तो आंसर हमारा आ गया था 6। अब फिर हमने 4 से आगे 3 नंबर्स या 3 लाइंस लगा के ऐड कर ली थी चीज़ों को, तो 4 से आगे 3 लाइंस हमने ऐड की या 3 फिंगर्स हमने जब ऐड की, तो 4 से आगे कितनी कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से आगे 5, 6, 7, तो हमारा आंसर आ गया था 7। अब बच्चों, हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि अब हमने 40 में 30 ऐड करने हैं, तो अब हम ये तो नहीं करेंगे ना कि 40 से आगे हम 30 लाइंस लगाते जाएं, 30 लाइंस लगा रहे हैं 30 लाइंस, ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इतना तो टाइम भी नहीं होता है हमारे पास जब पेपर्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 में पहले हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारी ये वाली साइड है, 0 में हम 0 ऐड करेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स, 0 मीन्स नथिंग, 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, 0 मीन्स नथिंग। 0 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो इसका भी मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 का 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 में जब 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब हमने 4 में 3 ऐड करने हैं, 3 नंबर्स हम ऐड करेंगे, 4 से आगे हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर ली 3, या 4 से आगे हमने 3 फिंगर्स यहाँ पे शो कर ली, तो 4 से आगे हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 5, 6, 7, तो आंसर हमारा आ जाएगा 7। सेम हियर इट इज, यहाँ पे हमारे पास है 40 और यहाँ पे हमारे पास है 20, टेंस में आ गया अब, तो अब डबल एडिशन आ गई है एक तरह से। तो 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 मीन्स नथिंग। 4 में अब हमने 2 फिंगर्स ऐड कर लेनी है, तो नंबर ऐड कर लेने हैं, वो हैं 5, 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे कितना सिंपल वे हो गया है इसको करने का, टेंस में हमने टेंस ऐड कर दिए, 40 में हमने 20 ऐड किए तो 60 आंसर, 40 में 70 ऐड किए तो 40 में सॉरी 30 ऐड किए तो 70 आंसर। यू अंडरस्टैंड नाउ, सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन दिस पेज नंबर 39। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने चीज़ों को, नंबर्स को कैरी करना है, नंबर्स को कैरी करते हुए अब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। यहाँ पे एक अमाउंट दी गई है 9, 4 यूनिट्स हैं, अभी टेंस की बात नहीं हो रही, यूनिट्स में हमने यूनिट्स को ही ऐड करना है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे। हमारे पास है 9 एक नंबर, और एक नंबर है हमारे पास 4, ठीक है, टेंस एंड यूनिट्स। यहाँ पे अभी टेंस में कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे जस्ट यूनिट्स की बात हो रही है, पहले हम यूनिट्स को ऐड करना सीखेंगे। हमेशा हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। 9 में, अगर 9 में हम, जैसे आपको मैंने पहले बताया, सेम हमने वैसे ही करना है, 9 में हमने 4 फिंगर्स या 4 लाइंस ऐड कर दे ही हैं,
9 से आगे हम स्टार्ट करेंगे 10, 11, 12, 13. अब 13 हमारा आंसर आया है. इस आंसर को हम क्या करेंगे, 3 जो राइट साइड है वो राइट साइड के नीचे लिख देंगे. ठीक है, राइट साइड को हमने राइट साइड के नीचे लिख दिया और जो लेफ्ट साइड है हमारी उसको हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड के नीचे लिख देना है, मतलब टेंस के नीचे. स्टूडेंट्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये नहीं करना कि बिल्कुल यहाँ पे एक साथ जोड़ के लिख देना है. नो, आपने आंसर जो है टेंस वाला, मतलब ये देखिए उन डबल नंबर्स आ गए ना, तो यहाँ आंसर में तो टेंस आ रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे टेंस नहीं है, लेकिन आंसर में आंसर हमारा टेंस में आया है, टेंस और यूनिट्स में आया है. तो हमने क्या किया, 9 में 4 ऐड करके राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड पे लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, इस साइड पे टेंस के नीचे. अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं. नेक्स्ट वैल्यू इज 7 प्लस 5. अगेन यहाँ पे टेंस और यूनिट्स की बात होगी. यहाँ पे अगेन हमारे पास टेंस नहीं है क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 में हमने 5 लाइंस ऐड करनी है या फिंगर्स ऐड करनी है. 5 फिंगर्स शो करेंगे, 7 में हमने 5 फिंगर्स अपनी ऐड करनी है. 7 से आगे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12. 5 तक हम रुक जाएंगे, या फिर आप लाइन से भी कर सकते हैं 7 से आगे, 8, 9, 10, 11, 12. अब हमारा आंसर आया है 12. बच्चों राइट हैंड साइड, ऑन दी राइट हैंड साइड एंड 1 इज ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड. टेंस के नीचे बिल्कुल टेंस की वैल्यू, यूनिट के नीचे बिल्कुल यूनिट की वैल्यू. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. Here are questions, double addition, addition of two digit numbers with carry. 41 पेज पे आपके ये questions हैं. आपने question number 1 करना है. Step 1 क्या है इसको solve करने का, यही same. आपने right hand side पे रहना है. Right hand side पे units पहले आते हैं, तो उन्होंने वही बताया हुआ है, add the units. Done. अब जब हमने 8 में 4 add करेंगे तो हमारे पास answer आ जाएगा 12. तो हमने राइट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड पे लिख के 1 को नेक्स्ट पे जाके जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ पे जाके यहाँ पे ऐड कर देना है. 1 यहाँ पे लिख देंगे जो 12 का आंसर है ना, तो देन कैरी द टेंस फ्रॉम इट्स आंसर टू द नेक्स्ट टेंस. जो टेंस में हमारा आंसर आया है 12, उसमें से जो टेंस है हमारा 12 में से, तो 12 में यही टेंस बनता है ना, 1 टेंस में आ जाता है, 2 यूनिट्स में आ जाता है. तो हमने जो टेंस वाली वैल्यू है वो नेक्स्ट टेंस में जाके ऐड कर देनी है, यहाँ पे लिख देना है. तो देन स्टेप 3 इज टेंस आर एडेड. तो हमारे पास एक वैल्यू है बच्चों, 28 पे हमने 64 ऐड करना है. वो कैसे करेंगे, हियर इज द क्वेश्चन. 28 प्लस 64, वही सेम बात बच्चों मैं आपसे कहूँगी. 28 में हम 64 लाइंस ऐड कर, लाइंस लगा के तो ऐड नहीं कर सकते. इसके लिए हमें यूनिट्स को यूनिट में ऐड करना पड़ेगा, टेंस को टेंस में ऐड करना पड़ेगा. वही स्टेप है बच्चों, 8 में हमने 4 ऐड कर दिया, 8 से आगे हमने 4 लाइंस ड्रॉ की और काउंटिंग स्टार्ट कर दी, 8 प्लस 4. 8 से आगे 9, 10, 11, 12. तो 12 हमारा आंसर आया है. अब यहाँ पे जब लास्ट क्वेश्चंस में जब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती थी, फॉर एग्जांपल ये देखें क्वेश्चन आया हुआ है 12 आंसर आया हुआ है, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ लिख दिया, तो वो कोई वैल्यू नहीं थी हमारे पास. अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है टेंस में, तो 12 का जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू वो हमने ये देखें 12 है ना, 12 में से जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू वो हमने यहाँ पे लिख दी और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जाके हमने कैरी कर ली. ठीक है, इसको कहते हैं कैरी करना. ठीक है, कैरी करना. तो अब हमने यहाँ इन तीनों को ऐड करना है. 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. 3 में अब हमने 6 ऐड करने हैं, 3 से आगे हम 6 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे
तो 6 3 से आगे काउंटिंग स्टार्ट करें, 4 5 6 7 8 9, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो 92 हमारा आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व द पेज नंबर 42, इट इज़ योर होमवर्क। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।